नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क की वीडियो। वीडियो नंबर 9 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आइए समझेंगे हम क्वेश्चनों को। चलिए, ए बी और सी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तथा सी ए का एक सही 1/2 यानी कि 1.5 गुना कार्य करने में दक्ष हो तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में? 12 दिनों में। देखिए ए बी और सी, ए बी से 20% अधिक है। देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में निकालना बताया है। देखिए इसमें बी से कम 20, 20 × 5 = 100 और अधिक है तो प्लस, अगर कम होता तो माइनस कर देते। तो देखिए 5 × 6/5, तो देखिए अधिक कौन है? ए बी से, तो ए का 6 और बी का 5। अब उसने क्या बोला है? तथा सी ए का, सी ए जो सी है ए का 1.5 गुना, तो 6 का 1.5 गुना कितना होता है? 9। कार्य करने में दक्ष हो तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए यहाँ हमारा कितना है? 6, 5, 11, 9, 20 और यहाँ 3 × 12 और यहाँ 20। तो देखिए 12 × 20 और सी से करवा रहा है तो सी का 9 है। देखिए 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 और 20 × 4 = 80, 80/3, 80/3, 3 × 2 = 6 और बचे हमारे 2, उतार ली 0 और फिर 3 से भाग देंगे, 3 × 6 = 18 और बचे 2 और जिससे भाग देते हैं वो 1/2, तो 26 सही 2/3 दिन हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। तो नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 40 दिन कम में समाप्त कर सकता है, 40 दिन कम में समाप्त कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में कितना दिन लेगा। ये इससे पहली वीडियो में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, देखिए इसमें भी समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अगर बी का 1 है तो ए का 3, तो देखिए 3 गुनी है। तो देखिए एक बात नोट कर लीजिए, यहाँ समय क्षमता, समय और क्षमता एक दूसरे के का उल्टा होता है, ये नोट कर लीजिए, समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा क्षमता है, क्षमता का रेशियो है और यहाँ समय का आ जाएगा, तो 1:3। तो देखिए यहाँ कितना डिफरेंस आया, कितना कम ले रहा है? 2 अंतर, और यहाँ कितना? 40 दिन कम और यहाँ 2 दिन कम। तो देखिए 40, 2 × 1 = 2 और 2 × 40 = 20 बार, तो 1 की वैल्यू 20 के बराबर, 20। तो देखिए
और उसने क्या बोला है 40 दिन कम लेता है और एक की वैल्यू 20। तो देखिए अगर एक की वैल्यू 20 है तो तीन की तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दिया 60 और यहाँ 20 से, 20 से कम 20। तो देखिए यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, ए बी से 40 दिन कम ले रहा है। तो यहाँ देखिए 60 और 20 में भी तो 40, देखिए यहाँ भी तो 40 दिन कम ही ले रहा है। तो देखिए अब क्या पूछा उसने, बताइए दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में, दोनों तो दोनों की जब पूछेगा तो देखिए आपको ये लगा देना है ए बी ए प्लस बी। तो देखिए 60 गुणा 20 और 20 और 60 80। तो देखिए 20 चौक 80 और 4 से 60 15 बार, ये हमारा आंसर निकल के आया। नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलो मैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, बी ए प्लस सी से 4 गुना समय लेता है, यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बताइए तीनों अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए ए किसी कार्य करने में बी प्लस सी, बी प्लस सी से 3 गुना समय, देखिए इसका 1 है तो इसका 3 आ जाएगा, और फिर उसने क्या बोला है बी बी ए प्लस सी से 4 गुना, बी ए प्लस सी से, ए प्लस सी से 4 गुना, तो इसका 1 है तो ये 4। तो देखिए ये समय का दे रखा है रेशियो, समय का देखिए 3 गुना समय, तो मैंने आपको अभी लिखवाया है समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा समय, टाइम का उल्टा क्षमता होता, देखिए क्षमता, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, उलट जाएगा, बस ये ध्यान रखिए। तो देखिए इसका भी 1 और ये 4। तो देखिए इसको और इसको दोनों को हमें आपस में बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने की, इसमें कर देंगे हम 5 की, 4 और 1 5 की, और इसमें देखिए 3 और 4, तो देखिए 4 चौक 16 और 4 एकम 4, देखिए यहाँ देखिए 5 दिया 15 और 5 एकम 5, तो देखिए बराबर हो गया हमारा, देखिए 15 5 20 और 16 4 20, तो अब हमारा ये बराबर हो गया। तो देखिए ए बी और सी, देखिए ए का कितना है 5 और बी का 4, तो टोटल हमारा 20 है। तो देखिए अगर ए का 5 है और सी ए सी का, इसमें तो ए का घटा दीजिए इसमें से, माइनस कर दीजिए ए ए सी के में से, तो सी का निकल आएगा, तो 5 16 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो 11 है। अब देखिए यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को 22 दिन में, देखिए यहाँ कितना है तीनों का 5 4 4 9 और 9 और 11 20, और तीनों का वहाँ कितना है 22, देखिए 22 गुणा 20, ये हमारा टोटल कार्य निकल का आया है, टोटल टोटल कार्य। तो देखिए अब हम तीनों का ही निकाल लेते हैं,
तीनों के ही आंसर निकाल लेते हैं, ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है। देखिए पहले ए से करवा लीजिए, तो मैं यहाँ देखिए मैं यहाँ ए का बताऊंगा आंसर, और यहाँ बी का और यहाँ सी का। देखिए ए से करवाना है हमें पहले, तो 5 से 20 चार बार और 22 चौका 88, देखिए 4 दुनी 8 और 4 दुनी 8, तो ये हमारा 88 दिन ले रहा है, ये हमारा आंसर है। अब देखिए बी से करवाइए, अब तो बी का यहाँ कितना है 4, तो देखिए 4 से 20 5 बार 4 5 20, और देखिए 5 दुनी 10 10 की 0 हाँ से लगे 1, और 5 दुनी 10 और 1 11 22 5 110, तो ये हमारा 110 दिन। और अब सी से करवाइए, तो सी का कितना है 11 है, 11 दुनी 22 और 20 दुनी 40, तो सी का कितना है 40 दिन ये ले रहा है, और ये बी 110 दिन में और ए 88 दिन में तो नोट कर लीजिए, ये हमारा बी का आंसर है, ये सी का, तो नोट कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और इन पर बार बार प्रैक्टिस करिए, और जिस भाई ने पहली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले 8 वीडियो बन चुकी हैं, उन्हें और देख लीजिए, और जिस भाई ने नहीं देखी उन्हें देख के बार बार उन पर प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद कोई भी मैथ उठा लीजिए, उसमें टॉपिक टाइम एंड वर्क का, तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए कमेंट करिए।